नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। शिवरात्रि के संबंध में हम बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं और इस कामना से भगवान शिव आपका कल्याण करें, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आपके जीवन में जो दिक्कतें हों, उनकी जो बाधाएँ हों, उनकी समस्त परेशानियों का शमन हो। इस प्रकार से मैं आज बात करता हूँ। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। जानिए क्या यह मंत्र है, इस मंत्र का राज क्या है। दिव्य और असरकारी है ये मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब उनके पांच मुख थे, जो पांचों तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के रूप में थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था ओम। बाकी पांच शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके पांचों मुखों से हुई थी, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही महामंत्र है। इसी से अ ई उ री ऋ इन पांच मूलभूत स्वर तथा व्यंजन जो पांच वर्णों से पांच वर्ग वाले हैं वे प्रकट हुए। त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य भी इसी शिव मंत्र से हुआ। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों का प्राकट्य हुआ। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले को समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। बाधाएं इस मंत्र का जाप करने वाले के पास भी नहीं पटकती तथा यमराज भी अपने दूतों को यह आदेश दिया करते हैं कि इस मंत्र का जो पाठ करेगा, जो जप करेगा, उसके पास कभी मत जाना, उसको मृत्यु नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही शिव वाक्य है, यही शिव विज्ञान है। जिसके मन में मंत्र निरंतर चलता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। तो भगवान शिव प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में स्थित अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान, प्रकृति मनुष्य के सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान है। नमः शिवाय पंच तत्वात्मक मंत्र है। इसे शिव पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। इस पंचाक्षरी मंत्र के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाकर ही सदा इसका जप करना चाहिए। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का जप करें। सदा शब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव का बारंबार स्मरण करते हुए पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करें, जप करें। मंत्र है नागेंद्र हाराय त्रैलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय व्रसाध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्या मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चंदार कबेश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिव संनिधो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। दोस्तों, आज हमने आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र के
संदर्भ में जानकारी दी, यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाएं। और मैं कामना करता हूं कि भगवान शिव आप सबके ऊपर कल्याण करेंगे, और इसी कामना के साथ आपसे आज विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।